अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहरबीन टाइम्स की सुर्खियों को लेकर मैं शेख इम्तियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नज़र डालते हैं आज के सरे वर्क पे। अमित शाह और पीपल्स अलायंस के दरमियान जबानी जंग। गुपकार गैंग आलमी सतह पर जाना चाहती है। गैर मुल्की ताकतें जम्मू कश्मीर में मुदाखलत करे, अमित शाह का बड़ा बयान। इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम अहमद मीर भी चुप न बैठे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम कोई गैंग नहीं, जायज सियासी इतिहाद हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अब इलेक्शन लड़ना भी मुल्क मुखालिफ बन गया है। और दूसरी जानिब जे ए मीर ने कहा, अमित शाह का बयान इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद है। इतना ही नहीं, इधर रविंदर रैना ने भी मुतनाजा बयान दे डाला। कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को मुस्तकबिल में जय श्री राम का नारा लगाना ही होगा। चीन भी चुप न बैठा। कहा, मसले कश्मीर पर चीन का मौकिफ मुस्तकल और वाजिया। अक्वामे मुतहदा चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादें और दो तरफा मुहादे हल का जरिया बीजिंग। दिल्ली पुलिस का दावा, दो कश्मीरी जंगजू असलाह समेत गिरफ्तार, हमारे बच्चे मासूम हैं, मिलिटेंसी का कोई ताल्लुक नहीं, वालदैन। नए तालीमी साल में ट्यूशन फीस में इजाफे पर पाबंदी आयद। किसी स्कूल ने अगर गाड़ी किराया लिया है तो वो बच्चों के फीस में इसे एडजस्ट करे, नाज़िम तालीम कश्मीर। सिटी अस्पताल में कोविड में मुबतला खातून के साथ नारवा स्कलूक। मरीजा के अहल खाना ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। सोपोर कस्बे में नाकबजनी की शबाना वारदात, चोरों ने लाखों रुपये मालियत का सामान लूट लिया। गोश्त को लेकर हम सब कश्मीरी चिंता व्यक्त ही रहते हैं, तो गोश्त की कीमत में आज खुद इजाफा की इजाज़त नहीं दी जाएगी, डायरेक्टर उमूर सारफीन। महकमा मुतहरिक, खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन के खिलाफ लाखों रुपए जुर्माना वसूल किया गया। भटनागर ने वादी कश्मीर में सरमा की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इधर मुशीर बसीर खान ने शिकायती अजाला सेल श्रीनगर में मुतैद वफूद और अफराद से मिले। सेमटिक सीमेंट फैक्ट्री पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सोपोर में एक नौजवान की नाश बरामद, केस दर्ज, छानबीन शुरू। BSNL काउंटर की अदम दस्तियाबी, कुलगा में हजारों सारफीन परेशान हाल। नजर डालते आज के इंटरनेशनल सफर पर। ट्रंप की हामियों का सुप्रीम कोर्ट की जानिब मारिश, मुखालिफिन और पुलिस से तसादुम। शाम के वजीर खारजा वलीद मलाइम इंतकाल कर गए। मिस्र में 100 से जायद कदीम ताबूत दरियाफ्त। आज के सफर नंबर 4 पे पढ़िए, इंडिया पाकिस्तान कशीदगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदा सूरत हाल का नुकसान सरहद के आर पार बसने वाले कश्मीरियों को हो रहा है। जी हाँ, इस पार भी कश्मीरी मर रहा है और उस पार भी कश्मीरी ही मर रहा है। नजर डालते हैं खेल के मैदान से। WBC ने बाबर और कोहली को एक जैसा खिलाड़ी करार दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में 3 नए कवानीन मुतारिफ कराने के लिए तैयार। इन नए कवानीन का मकसद खेल में नई जहतें मुतारिफ कराना और पूरे मैच में शायकीन की दिलचस्पी को बरकरार रखना है। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें, अगर आपका बच्चा 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और आपकी माली हालत ऐसी नहीं कि आप इसका एडमिशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। कश्मीर के बासलाहियत और तजुर्बाकार प्रोफेसर और उस्ताद अब सक्सेस स्टेप्स इकबाल कॉलोनी सुनवार श्रीनगर में आपके बच्चे को निहायत ही कम फीस पर पढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबरात पर राबता कायम किया जा सकता है। कश्मीर वैलीज ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल न्यूज़पेपर। Click on subscribe and bell icon to receive the latest news updates from Shaharbin Times.